हेलो एवरीवन, टेली प्राइम 4.0 की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स रहते हैं कि सर अब जब हम सेल वाउचर की एंट्री करते हैं या फिर परचेज वाउचर की एंट्री जब हम करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा टैक्स होता है सीजीएसटी टैक्स, एसजीएसटी टैक्स या फिर आईजीएसटी टैक्स की बात करें तो वो कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। अगर आपका टैक्स कैलकुलेशन सही नहीं होगा परचेज एंट्री के दौरान या फिर सेल एंट्री के दौरान, तो आपकी जो जीएसटी रिपोर्ट्स है जैसे कि जीएसटी R1 हो गया, जीएसटी R3 भी हो गया, या फिर हम जीएसटी R एनुअल रिटर्न की बात करें जीएसटी R9, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे एरर देखने को मिलते हैं, मिसमैच देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हम टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं टेली सॉफ्टवेयर में जिन्हें हमें इनेबल करना कंपलसरी होता है वाउचर की एंट्री करने से पहले। तो ये सब कुछ आज की इस क्लास में आपको प्रैक्टिकल तरीके से देखने को मिलने वाला है, सब कुछ लाइव रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि हमें कौन कौन से फीचर्स हैं जो इनेबल करने कंपलसरी हैं। कुछ ऑप्शनल होते हैं जिन्हें हमें एज पर रिक्वायरमेंट के आधार पर हमें इनेबल करना होता है, लेकिन कुछ कंपलसरी होते हैं जिन्हें हमें इनेबल करना ही होगा, तभी आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो सही तरीके से मैच हो पाएगी। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज किस क्लास की। तो स्टूडेंट, टेली प्राइम 4.0 में मैंने एक नई कंपनी क्रिएट करी है, अभी तक मैंने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं करी, कोई भी मैंने लेजर या स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करी, क्योंकि सब कुछ आपके सामने लाइव रहेगा। तो जब हम टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने के दौरान हमें एक बात का ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम इस कंपनी को अल्टर करके देखते हैं, जैसे में हम इस कंपनी को बनाया था न्यू कंपनी के नाम से और यहाँ पर प्रॉपर मैंने एड्रेस वगैरह दे दिया। तो यहाँ पर आपको विशेष कर ये ध्यान रखना है जो आपका जो कंपनी है उस जिस स्टेट के अंदर वो रजिस्टर्ड है तो वहां पर वो स्टेट आपको जरूर देना है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये नॉट एप्लीकेबल रहता है तो ये ऐसा ही रह जाता है या फिर स्टेट चेंज हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। और उसके बाद में आपकी कंपनी का जो पोस्टल कोड है वो एक बार यहाँ पर जरूर डालें, क्योंकि ये आपका आगे जाके ई इनवॉइस से रिलेटेड या फिर ईवी बिल से रिलेटेड है, जो ये बातें आपके आगे जाके काम आएंगी, तो पोस्टल कोड आप जरूर डालें। सबसे पहला आपको इस बात का ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो फर्स्ट टाइम हमारे सामने एक इस तरीके की विंडो खुलेगी, और इस विंडो के अंदर आपको इस टैक्सेशन के हेड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, इसको आपको यस करना है। जैसे हम इसको यस करके एंटर प्रेस करेंगे और इंटरप्रेस करने के दौरान तो जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया था कंपनी क्रिएट के दौरान तो वो राजस्थान यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में जो आपकी जीएसटी भरने की जो आपका जो स्कीम है वो आपका कौन सा रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर है, रेगुलर में हो या फिर कंपोजिशन स्कीम में हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपका रेगुलर होना जरूरी है, क्योंकि कंपोजिशन डीलर अपने सेल इनवॉइस के ऊपर टैक्स लगाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने कंपोजिशन कर दिया तो आपके टैक्स की कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर रेगुलर रखना जरूरी है। उसके बाद में आपकी खुद की कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर आपको यहाँ लिखना जरूरी है, तो इस तरीके से आपको एंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पर आपकी खुद की कंपनी का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीएसटी नंबर लिखते हैं, ये मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। अब आप आपकी जो कंपनी की जो जीएसटी आर वन रिटर्न है वो मंथली फाइल होती है या क्वार्टरली, इसमें आपका जीएसटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन से रिलेटेड। बस फर्क इतना है कि आपकी जो जीएसटी आर वन है वो आपको तीन तीन महीनों से दिखाएगा अगर आपने इसको क्वार्टरली सेलेक्ट किया है। अगर आपने इसको मंथली सेलेक्ट किया है तो आपकी जीएसटी आर वन की रिपोर्ट की जो ऊपर डेट आएगी वो ऑटोमेटिकली मंथ वाइज आएगी। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इसको
एंटर प्रेस करते हुए यस करेंगे और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। यह था आपका सेकंड काम। अब तीसरा काम आपका यह रहेगा भी जो आपका कस्टमर रहेगा या जो आपका सप्लायर रहेगा उसको अगर वो रेगुलर है यानी कि उसके पास भी जीएसटी नंबर है तो वो उस कंडीशन में आपका उसका जीएसटी नंबर देना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर आपका टैक्स का कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कस्टमर से रिलेटेड अगर हम सेल इनवॉइस की बात करते हैं तो। लेकिन उससे पहले हम स्टॉक आइटम और सेल के लेजर हमें क्रिएट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेल का लेजर है जो क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे हम जाएंगे, सेल पे जाएंगे। मान लीजिए मैंने एक लेजर यहाँ पर क्रिएट कर दिया जीएसटी सेल 12% और ये मेरा रहेगा सेल्स अकाउंट में। तो जैसे हम इसको सेल्स अकाउंट में रखेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका सेल से रिलेटेड चाहे आप परचेज का लेजर बनाओ दोनों में आपको ये ऑप्शन पूछेगा जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। तो इसको आपको एप्लीकेबल रखना है, ये नॉट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जो एचएसएन की जो हमारा रिलेटेड डिटेल है उसको आप एज पर कंपनी रख सकते हो और जीएसटी से रिलेटेड डिटेल है वो भी इसको आप इसको एज पर कंपनी रख सकते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई अगर आपका गुड्स है तो गुड्स रखेंगे, सर्विस है तो सर्विस रखोगे। मैं यहाँ पर गुड्स रख रहा हूँ और इसको एक्सेप्ट करूंगा। ये था मेरा सेल का लेजर। अब मैं टैक्स के लेजर क्रिएट करूंगा सीजीएसटी टैक्स और टैक्स का जो हमारा ग्रुप रहेगा वो रहते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और उसके बाद में टाइप ऑफ टैक्स आपका जीएसटी यहां पर आ जाएगा और जीएसटी के दौरान सीजीएसटी टैक्स है तो मैं इसको सीजीएसटी टैक्स सिलेक्ट करूंगा। एंटरप्रेस करते यहां पर आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जीरो रखनी है। एंटरप्रेस करूंगा और इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। इस तरीके से मैं एसजीएसटी टैक्स का भी लेजर क्रिएट करूंगा। यह भी मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, इसको मैं जीएसटी सिलेक्ट करूंगा और यहां पर इसको मैं एसजीएसटी टैक्स सिलेक्ट करूंगा और एक मैं आईजीएसटी टैक्स का भी लेजर क्रिएट करता हूं। ये ड्यूटीज एंड टैक्स में रहेगा, जीएसटी सिलेक्ट करेंगे और इसको हम आईजीएसटी में सिलेक्ट करेंगे। एंटरप्रेस करते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये थे हमारे लेजर क्रिएट हो गए। अब हम करते हैं स्टॉक आइटम क्रिएट। वापस क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे चलते हैं और मान लीजिए मैंने एक आइटम वन के नाम से एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर दी। अब अंडर प्राइमरी रख सकता है, कैटेगरी भी एक बार में इसको नॉट एप्लीकेबल करता हूँ। अब यूनिट इसकी मैं बना लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको पीसीस में रख लिया। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका जो यूपीसी कोड है ये आपको जीएसटी के अंदर देना जरूरी होता है। तो मैं पीसीएस है तो मैं यहाँ पे पीसीएस सेलेक्ट करूंगा तो ये पीसीएस आ जाएगा, इसका यूकेसी कोड। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मेरा जीरो रहेगा। एंटर प्रेस करता हूँ, एक्सेप्ट करूंगा। अल्टरनेट यूनिट में नॉट एप्लीकेबल रख रहा हूँ और उसके बाद में स्टॉक आइटम के दौरान आपको यहाँ पर भी जीएसटी को एप्लीकेबल ही रखना है। एप्लीकेबल रखूंगा मैं इसको और उसके बाद में इसकी एचएसएन की जो डिटेल है वो मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर के अंदर अलग से मेंशन करूंगा क्योंकि स्टॉक आइटम का एचएसएन कोड अलग अलग होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको 1 2 3 4 5 6 एक बार एचएसएन कोड दे देता हूँ और यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं इस आइटम से रिलेटेड यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम। और उसके बाद में इसका जो जीएसटी रेट है वो जीएसटी रेट भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा। अब यहाँ पर आ जाएगा टैक्स एबिलिटी टाइप। अब ये प्रोडक्ट अगर आपका टैक्सेबल है तो उसके दौरान आपको टैक्सेबल करना होगा, अगर वो आइटम टैक्स फ्री है तो आपको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा या नॉन जीएसटी रखना पड़ेगा। अब मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी को एप्लीकेबल करूंगा क्योंकि ये मैं 12% इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा तो जीएसटी रेट में यहाँ पे रखूंगा 12%। यहाँ पूछा जाएगा एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसको रिवर्स चार्ज को मैं नो रखूंगा। टाइप ऑफ सप्लाई मेरा गुड्स रखेगा। एंटर प्रेस करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो यहां तक तो था मेरा एक, चाहे आपका मतलब कस्टमर से रिलेटेड हो चाहे सेल से रिलेटेड हो, ये मैंने सेल से रिलेटेड एक बार लेजर क्रिएट कर दिए। अब मैं मेरा एक कस्टमर का भी लेजर क्रिएट करता हूँ। क्रिएट पे जाऊंगा, लेजर पे जाऊंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सुमित कुमार का मेरा एक नाम से मेरा कस्टमर है, उसको मैं सेल करना है तो मैं कस्टमर का नाम मैंने क्रिएट कर दिया। अब कस्टमर हमारा रहता है सेंट्री डेप्टर्स में। अब उसके बाद में अगर ये आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है
तो आपको ध्यान रखना है आपके उस कस्टमर का स्टेट, ठीक है, उसका पिन कोड, ये प्रॉपर आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर वो है तो रेगुलर रखते हुए उसको जीएसटी नंबर देना जरूरी है। अब मैं ये मान के चलूंगा ये मेरा जो कस्टमर है अनरजिस्टर्ड है, तो मैं इसको अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करूंगा। तो ये मेरे डाटा तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी एक सेल वाउचर की एंट्री करके देखते हैं। वाउचर पे मैं जाऊंगा, एफएट सेलेक्ट करूंगा और डेट मैं 1 दिसंबर ले लेता हूँ। उसके बाद में पार्टी काउंटर नेम में आपका सुमित कुमार का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में डिस्पैच की डिटेल अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अगर आप इस ऑप्शन को बंद करना चाहते हो तो आपको F12 प्रेस करके प्रोवाइड बायर डिटेल को आप नो कर सकते हो। उसके बाद में हमने एक आइटम बनाई थी आइटम 1 के नाम से, क्वांटिटी में डालता हूँ 1। अब यहाँ पर जो इसका रेट है, अब 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रेट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस और रेट यहाँ पर आपको डालना है टैक्सेबल यानी कि विद टैक्स रेट क्या है। अब हमने एक्सेल के अंदर एक डिटेल तैयार करी है। अब मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी टैक्सेबल वैल्यू है 1000 रुपये, तो उसका टैक्स बनना चाहिए CGST 60 और SGST भी 60 और टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी 1120 रुपये की। तो हम ये मान सकते हैं कि 1120 रुपये की जो अमाउंट है वो इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स है, यानी कि इस अमाउंट के अंदर GST की अमाउंट है जो इंक्लूड है, क्योंकि 1000 रुपये टैक्सेबल बेसिक वैल्यू होगी और 120 रुपये दोनों टैक्स को मिला के 1120 रुपये बनते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको अगर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के अंदर करता हूँ तो मैं यहाँ पर 1120 रुपये रखूँगा, तो आप देख सकते हो इसकी टैक्सेबल जो वैल्यू है वो 1000 रुपये ऑटोमेटिक आ चुकी है। एंटर प्रेस करूँगा। अब हमने जो यहाँ पर सेल का जो लेजर क्रिएट किया था वो सेल का लेजर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आइटम की डिटेल वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगी। एंटर प्रेस करके नीचे आऊँगा। अब यहाँ पर मैं टैक्स सेलेक्ट करता हूँ CGST टैक्स और SGST टैक्स। अब यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है 60 रुपये और 60 रुपये ये ऑटोमेटिक आ चुकी है। ये हमारा डाटा हमारे इस एक्सेल शीट के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, यानी कि हमने ये प्रॉपर सेटिंग कर दी तो ये टैक्स मैच हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इस टैक्स की जगह हम IGST टैक्स लगाएं, मैं इस टैक्स को एक बार हटा देता हूँ, और हम चाहते हैं कि इस टैक्स की जगह हम IGST की कैलकुलेशन करें, तो आप देख सकते हो IGST टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जब हमने कस्टमर का लेजर क्रिएट किया था और इस लेजर के दौरान हमने इस कस्टमर का जो स्टेट था वो हमने राजस्थान सेलेक्ट किया था। अब हम राजस्थान के हैं और राजस्थान के कस्टमर को राजस्थान में अगर सेल करेंगे तो IGST टैक्स लगना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर ने IGST टैक्स की कैलकुलेशन है जो नहीं करी है। हम IGST टैक्स की भी कैलकुलेशन करेंगे। हम एक बार इस SGST टैक्स और CGST टैक्स इसको हम इनवॉइस को कंप्लीट करते हैं। टोटल 1120 रुपये की अमाउंट है जो बन चुकी है और हमारा एक्सेल के अंदर भी ये 1120 रुपये का, यानी कि ये हमारी लोकल सेल है। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें एक आउट ऑफ सेल आउट ऑफ स्टेट की भी एक सेल करते हैं। हम एक लेजर सेलेक्ट करते हैं मुकेश कुमार के नाम से, वो हमारा सैंडी डेप्टर है, लेकिन हम ये मानते भी हमारा आउट ऑफ स्टेट का हम कह सकते हैं ये पंजाब का कस्टमर है और इसके पास भी GST नंबर नहीं है। अनरजिस्टर्ड रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सेम आइटम हम सेल कर रहे हैं, एक करेंगे, 1120 रुपये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे CGST टैक्स लगाएंगे तो आप देखो यहाँ पे CGST टैक्स है जो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि CGST आपका लोकल सेल के दौरान ही लगेगा। अब यहाँ पर हम IGST टैक्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखते हो जैसे हमने IGST सिलेक्ट किया इसने 120 रुपये की वैल्यू ऑटोमेटिक ले ली। एंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक लोकल की सेल और एक इंटरस्टेट सेल करके देखी। अब हम देखते हैं हमारी GST रिपोर्ट्स को। इसके लिए वापस हम डिस्प्ले पर चलते हैं, GST रिपोर्ट्स पर चलते हैं और GSTR 1 को चेक करते हैं। हम PID यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे हमारे पास में जो एरर है वो बिल्कुल 0 है और हमारी B2C की जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर हमें दिखा रहा है वो प्रॉपर 2 वाउचर की दिखा रहा है
और टोटल हमारी 2000 रुपये की सेल है, जिसमें 120 रुपये हमारा IGST टैक्स है, 60 रुपये हमारा CGST टैक्स है और 60 रुपये हमारा SGST टैक्स है, और ये आपकी पूरी ऊपर डिटेल आ रही है। तो इस तरीके से ये बिना एरर फ्री आपकी GSTR 1 है जो तैयार हो रही है। अगर GSTR 3 भी की बात करें तो GSTR 3 के अंदर भी आपको किसी भी टाइप का कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आपकी जो एरर है वो जीरो है, और यहाँ पर भी आपकी जो सेल है वो टोटल 2000 रुपये की आ रही है। अब इस 2000 रुपये के अंदर आपकी डिटेल दिखा रहा है कि भी आपकी इंटरेस्ट रेट सप्लाई भी 1000 रुपये की इसके अंदर इंक्लूड है, जिसका IGST 120 रुपये है। इस पर आप एंटर प्रेस करोगे, एक बार और एंटर प्रेस करोगे तो आपको वो टोटल दोनों सेल के वाउचर आ जाएंगे, सुमित कुमार और मुकेश कुमार के, 1000 रुपये जिसके ऊपर CGST और SGST चार्ज हो रहे हैं, और 1000 रुपये जिसके ऊपर 120 रुपये की IGST चार्ज हो रही है। इस तरीके से अगर आपकी एनुअल आप रिपोर्ट देखोगे तो एनुअल रिपोर्ट भी आपकी बिल्कुल ओके तैयार होगी। तो इस तरीके से हम हमारी सेल वाउचर की एंट्री और GST की प्रॉपर सेटिंग हम करनी होती है। अब कुछ ऐसे लेजर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर क्रिएट करने हैं, क्रिएट पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं। मान लीजिए हमने एक ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब GST आपको हर एक लेजर के अंदर ही टेली सॉफ्टवेयर है जो रिक्वायर करेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है भी आपकी जो जिस नेचर का आप लेजर क्रिएट कर रहे हो तो उस ट्रांजेक्शन पर GST लग रहा है या नहीं लग रहा। लग रहा है तो उसी कंडीशन के अंदर ही हमें एप्लीकेबल करना होगा, अदरवाइज आप इसको नॉट एप्लीकेबल करोगे। मान लीजिए इस ऊपर हमारा कोई भी एक्सपेंसेस है जो GST नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको एप्लीकेबल कर दिया और कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैं किसकी एक एंट्री करता हूँ पेमेंट वाउचर में, शॉप ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से मैंने 100 रुपीज की मैंने एंट्री कर दी और कैश मैंने क्रेडिट कर दिया। अगर अब हम इसकी GST की रिपोर्ट देखते हैं तो अब दौरान हमें अब देखो अब यहां पर आपको हमारे को कुछ ये एरर भी शो करेगा। ये हो सकता है इसने फिलहाल एरर नहीं किया क्योंकि काफी सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होगी जिसके दौरान आपको ये एरर शो कर देगा। अब एरर शो करने का रीजन आपका वही रहेगा, आपने कुछ एक लेजर ऐसे है जिसके ऊपर आपने कोई GST का ट्रीटमेंट नहीं किया, बट वो आपने GST उसके ऊपर एप्लीकेबल कर रखा है, तो आपको एल्टर करके लेजर पे जाके और उस ऑफिस एक्सपेंसेस में आपको GST को नॉट एप्लीकेबल करना होगा, तब आपकी जो GST की रिपोर्ट है वो प्रॉपर सही तरीके से मैच होगी। और इसी तरीके से हम परचेज वाउचर की भी एंट्री करते हैं, F9 पे हम चलते हैं और यहाँ पर हमारा जो सप्लायर का इनवॉइस नंबर रखता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पर हमारा एक सप्लायर का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं ABC कंपनी के नाम से, ये हमारा सेंट्री क्रेडिट रहेंगे। अब यहाँ पर भी हमें इनका जो प्रॉपर इनवॉइस के ऊपर जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना होता है, स्टेट हमें बिल्कुल कंपलसरी है लिखना, और उसके बाद में पेन नंबर अगर रेगुलर पार्टी है तो पेन नंबर भी आपको जरूर लिखना होगा रेगुलर है, और रेगुलर के दौरान आपको यहाँ पर जो GST नंबर है वो भी जरूर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम GST नंबर यहाँ पर इस रेगुलर पार्टी का हम लिख देते हैं, एंटर प्रेस करें। और अब मान लीजिए हमने एक आइटम, इस आइटम को परचेज करते हैं 5 days, रेट हम रखते हैं 800 रुपये का, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर एक परचेज का लेजर है जो क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने सेल का किया था, परचेज GST 12% परचेज अकाउंट में रखेंगे, GST इसके ऊपर लगेगी तो GST एप्लीकेबल रखेंगे, एज पर कंपनी रखेंगी इसको भी एज पर कंपनी, और टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखने वाले। तो अब आपका जो टैक्स लेजर है हमने जो सेल के दौरान यूज किए थे वही टैक्स अब आपके यहाँ पर भी काम आ जाएंगे। आप देख सकते हो भी इस 4000 रुपये की अमाउंट के ऊपर 240 रुपये का टैक्स लग रहा है, तो हम इसको एक्सेल में भी एक बार देख लेते हैं, टैक्सेबल पे भी हम 4000 रुपये करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 240 रुपये की टैक्स की कैलकुलेशन होगी और टोटल 4480 रुपये का इनवॉइस बन गया। तो यहाँ पर भी आपका 4480 रुपये का इनवॉइस बन गया।
एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करेंगे। और अब हम जीएसटी रिपोर्ट्स को अगर हम देखते हैं, जीएसटी आर3 भी चलते हैं आईटीसी के लिए, तो अब यहां देख सकते हो आपका 240 रुपये आपका आईटीसी के अंदर भी आपका डिटेल्स में आ रही है, यहां पर देख सकते हो ऑल इनपुट टैक्स क्रेडिट, और वहां पर आपका वो परचेज इनवॉइस आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से अगर आपने प्रॉपर सही तरीके से सेटिंग कर रखी है लेजर क्रिएट करने के दौरान, स्टॉक आइटम क्रिएट करने के दौरान, कंपनी क्रिएट करने के दौरान, तो आपको किसी भी टाइप की एरर जीएसटी की रिपोर्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही आपकी वाउचर एंट्री के दौरान टैक्स की मिसमैच देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।